वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सुजाता मैजिकल मोमेंट्स। तो आज मैं आपके साथ एक बहुत ही डिलीशियस यम्मी वेज बिरयानी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। तो चलिए देखते हैं इंग्रेडिएंट्स। ये हमारा बीन्स है जिसे मैं थोड़े थोड़े छोटे छोटे टुकड़ों में कट करके रख ली हूँ। गाजर है हमारा 1 से 2, एक बड़ी शिमला मिर्च है मीडियम साइज की हो तो आप 2 लें, और ये हमारा 3 से 4 हरी मिर्च है, ज़्यादा तीखा पसंद हो तो ज़्यादा लें। और ये पनीर है जिसे कि मैं घर पे ही बनाई हूँ, मैं बाजार का प्रेफर नहीं करती क्योंकि मेरे बच्चे बाजार का पसंद नहीं करते हैं। और ये 6 से 8 लहसुन के कली हैं। मैं बहुत ही जल्दी आपको पनीर की रेसिपी भी शेयर करने वाली हूँ जो कि बिल्कुल हाइजीनिक प्योर होम मेड होने वाली है। चावल इंडिया गेट बासमती राइस लिया है जिसे कि मैंने धो के कॉटन कपड़े से ढक के 20 मिनट के लिए रखा है। आप ये स्टेप जरूर फॉलो करें, आपकी बिरयानी बहुत ही खिली खिली और बहुत ही अच्छी बने। देखिए ये चावल हमारा ऐसा होना चाहिए। मैंने इसे अच्छे से वॉश करके 20 से 25 मिनट के लिए मैंने कॉटन कपड़े से ढक के रखा था। चलिए नेक्स्ट प्रोसेस की ओर चलते हैं। ये देखिए मैं गैस का फ्लेम ऑन कर रही हूँ। अब इसमें हम लोग 4 से 5 टी स्पून मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। जब फ्लेम ये गर्म, जब ऑयल गर्म हो जाएगा तो मैं इसमें पनीर फ्राई करूंगी और बाकी बचा हुआ तेल में हम लोग ये अपने सब्जियां फ्राई कर लेंगे। तेल गर्म हो चुका है, अब मैं इसमें पनीर डाल रही हूँ। इसे हमें अच्छे से फ्राई कर लेना है। इसे मीडियम फ्लेम पे और शैलो फ्राई करना, इसे हमें डीप फ्राई नहीं करना। ये देखिए हमारा पनीर शैलो फ्राई हो चुका है, मैं अभी से प्लेट में निकाल लेती हूँ। अब मैं इसमें 1 पिंच हींग डालने वाली हूँ। हींग से हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा रहता है और बिरयानी में थोड़ा सा ऑयल ज़्यादा होता है, इसलिए हींग जरूर आप लोग डालें। और इसमें लहसुन की कलियाँ डाली हूँ जो कि 6 से 8 है, और इसमें हमारा ग्रीन चिली जाएगा। मैं बीन्स डालूंगी, हमें इसे अच्छे से फ्राई कर लेना है 3 से 4 मिनट। फिर मैं इसमें गाजर और अपना शिमला मिर्च ऐड करूंगी। हमारा बीन्स फ्राई हो चुका है, अब मैं इसमें शिमला मिर्च और गाजर दोनों एक साथ डाल रही हूँ। ये भी हमें फ्राई कर लेना है, इसे चलाते हुए हमें फ्राई करना है। फ्राई होगी उतना ही स्वाद हमारे बिरयानी में आएगा। वेजेस बिल्कुल फ्राई हो चुकी है, अब इसमें मैं इसको नमकीन होने पर नमक डालूंगी। याद रखें चावल में हम लोगों को नमक डालना है तो बस इसके अकॉर्डिंग ही नमक डालें जितने में इसकी नमकीन हो जाए। ये देखिए आधा टेबल स्पून मैं इसमें हल्दी पाउडर डाल रही हूँ। देखिए अब इसका कलर कितना अच्छा लग रहा है। मैं इसे निकाल लूँगी और मैं इसमें अब अपने चावल को फ्राई करूँगी। अब मैं इसमें 2 चम्मच रिफाइन ऐड कर रही हूँ और 2 चम्मच घी भी डाल रही हूँ। अगर आपको घी पसंद ना हो तो बटर भी डाल सकते हैं, ये ऑप्शनल है। पर मैं बटर, मैं घी और रिफाइंड ऑयल दोनों मिक्स करके ही बनाती हूँ। घी और रिफाइंड गर्म हो चुका, मैं इसमें जीरा ऐड करूँगी। हमारी सूखी लाल मिर्च, 4 से 5 लौंग है, 2 छोटी इलायची, बड़ी इलायची और ये चटपत्ता और दालचीनी की मैं इसमें डाली हूँ। ऑप्शनल है, अगर आपको काली मिर्च पसंद है तो वो भी 2-4 से 8 डाल सकते हैं, पर मुझे पसंद नहीं है इसलिए मैंने नहीं डाला। मैं अपना चावल ऐड करूंगी। अब हमें इसे अच्छे से फ्राई करना है।
इसमें नमक ऐड कर दे रही हूँ। सब्जी में नमक है तो नमक अपना स्वादानुसार डालें। हमारा अभी 5 से 6 मिनट करना है, लगभग 2 मिनट हो चुके हैं। 3 से 4 मिनट में उसे और पकाना है। मैं इसमें 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड कर रही हूँ। हल्दी देखिए डालने से बिरयानी का कलर बहुत ही अच्छा आता है। देखिए कितने सुंदर दिख रहे हैं। ये देखिए हमारा चावल बनकर तैयार है। अब मैं इसे प्रेशर कुकर में डालूंगी। ये मैंने इस ग्लास से मेजरमेंट किया था, 3 ग्लास चावल है तो मैंने इसमें दुगना का हाफ लिया। अब अगर आपका चावल 3 ग्लास है तो इसमें दुगना आपका 6 होता है, तो आप 5.5 पानी डालें। इसमें उतना ही पानी डाला हुआ है, 5 ग्लास और 1/2 ग्लास। भेजी मैंने फ्राई किया था उसमें मैं डाल चुकी हूँ। मैं पनीर में इसमें डाल रही हूँ। अब मैं चावल इसमें डालूंगी। ये बात हमेशा याद रखें कि जितना चावल ले उसका 2.5 से 1/2 ग्लास कम पानी डालना है। अगर आप पानी बराबर नहीं डालेंगे तो आपकी बिरयानी खिली खिली अच्छी नहीं बनेगी। ये एक दूसरे में चिपक जाएंगे जिससे कि टेस्ट उतना अच्छा नहीं आएगा। अब मैं इसमें कसूरी मेथी डाल रही हूँ। इसको इतने हाथों की मदद से हल्का सा मसल के डाल दें। गरम मसाला मैं ऐड कर रही हूँ, ऑप्शनल है, इच्छा हो तो डाल लें नहीं तो नहीं डाल लें। जैसे धनिया पत्ती। अब मैं इसे 1 सीटी आने तक पकाऊंगी। जब 1 सीटी आ जाए, ये देखिए सबको डाल के एक बार चला ली हूँ। ये कितना सुंदर कलर आया है। अब इस अब जब 1 सीटी लग जाए तब तो मैं आपको दिखाती हूँ कितना सुंदर ये बन के तैयार है। ये देखिए हमारी डिलीशियस सी बिरयानी बनकर बिल्कुल तैयार है। ये वेज बिरयानी है, इसमें कितनी अच्छी सब्जियाँ दिख रही हैं और ये टेस्ट में तो और भी बहुत ही टेस्टी। इसे मैं हरे धनिए और पुदीने की चटनी के साथ सर्व कर रही हूँ। आप इसे दही के साथ भी ले सकते हैं और रायता के साथ भी ले सकते हैं, पिकल के साथ भी ले सकते हैं। तो ये रेसिपी आप अपने घर में ज़रूर ट्राई करें, ये बहुत बहुत ही डिलीशियस होती है। और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।